सीता स्वयंवर हुआ कहां हुआ, जनकपुर में हुआ। स्थिति क्या हुई, जनक जी ने क्या किया था, जनक जी ने स्वयंवर का आयोजन किया था, स्वयंवर की शर्त क्या थी। एक पहली बात, जब स्वयंवर रखा जाता है तब शर्त नहीं रखा जाता, क्योंकि स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवरो इति स्वयंवर, होत है स्वयंवर रख दिए थे शर्त। होता है भाई, हर जगह की नीतियां बता देंगे भाई, क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता है ना, बिटिया देख लिया तो घर वाले क्या कहा थे, बढ़िया ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है, अच्छा बेटा आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, जाइए जाकर के देख आइए, निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन विवाह वही होगा। तो जब निर्णय पहले ले लीजिएगा है विवाह वही होगा, तो देखे का है भेजा तो भाई बिटिया, तो स्थिति क्या है। ए सभा लगी हुई है, सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, बड़े 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 राजा है, अनेकों राजा है, स्थिति क्या हो, सारे के सारे लोग आकर के, शर्त क्या थी कि जो भगवान शंकर के इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। अब स्थिति क्या हो, सारे के सारे हैं वहां पर, एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे, आते हैं आकर के पूरी शक्ति लगाते हैं, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को हिला तक ना सके, हिला ना सके, अरे नहीं हिला सके, बड़े से बड़े राजा हो, तब जनक जी को क्षोभ हुआ, दुख हो, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, क्या कहने लगे कि मैंने तो सोचा था कि ये जो देश है ये वीरों का देश है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। वो जैसे इस प्रकार से कहा, अब जो नहीं उठा पाए थे वो तो सर नीचे करके बैठ गए, नहीं उठा पाए तो क्या करे, बोले जी हो, तो स्थिति क्या, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन लक्ष्मण जी भी बैठे हुए थे, विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे, भगवान राम भी बैठे हुए, लक्ष्मण जी से बर्दाश्त ना, जब बार बार यही बात कहना चालू कर दिए, शुरू कर दिए, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, जब बार बार ये बात कहना शुरू कर दिए, तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले इतना क्या लगता है तुम, भैया जी की तरफ तुमने नहीं देखा, जिस सभा के मध्य में क्षत्रिय का एक भी बच्चा बैठा हो, चैलेंज करके सुनो, जो भी क्षत्रिय जिस सभा के मध्य में, जिस सम्रांगण में रघुवंशों का एक भी बच्चा बैठा हो, क्षत्रियों का एक भी बच्चा बैठा हो, वहां पर तुम वीरता पर शक कर रहे हो, क्या कह रहे हो, देखो जनक की तरफ, कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानिए, रघुकुल मणि साक्षात बैठे हैं, बता रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली है, ए देखा भगवान राम की तरफ, भैया अयोध्या के नाक कटवाने आए हो मिथिला में, माने अयोध्या से आए हो, ध्यान रखो अयोध्या क्या है, इच्छाकु है, अज है, दिलीप है, रघु है, कौन रघु, यक्का है बाण निकाल के मार दी, ना कहां से, अयोध्या से पूरी लंका डगमगाई गई, हाँ डगमगा गई, एक ही बाण उस रघु के कुल के हो, वो इच्छा को जिनको महाराज श्री सूर्य जी ने भगवत गीता सुनाई थी उनके कुल के हो, भैया काहे अपमान करवा रहे हो, देखा किसकी तरफ, देखा गुरु जी की तरफ, देखा गुरु जी की तरफ, देखने के पश्चात भगवान राम की तरफ देखा, बोले भैया अरे इस धनुष की बात कर रहे हो, आपका आदेश मिल जाए और गुरु जी का आदेश मिल जाए तो इस धनुष की बात करते हो, अच्छा तुम्हारी अनुशासन पाऊ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊ, काचे खट जिमदार हो फोरी, सकहु मेरु मूलक जिम तोरी, थोड़ा ठक ठक दंड जाओ तो प्रताप बलनाथ, और जाओ न करो प्रभु पग शपथ, कर करो धनुहार, क्या बात करते हैं यार, भैया अपना आदेश मिल जाए, इस ब्रह्मांड को धनुष हटाओ, इस ब्रह्मांड को गेंद के भांति उछालने की क्षमता रखता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली के समान कट से तोड़ने की क्षमता रखता हूँ, और तोड़ा छत्र का दंड जम तव प्रताप बलनादे, कुकुर मुत्ता नहीं जानते हो, जो चट से हाथ लगाओ खट से गिर जाते, कहा तो कहा वैसे हाँ इसे तोड़ दियो, कश्मीर में ज्यादा मिलते, कुछ जने होते हैं मशरूम की खेती करते हैं कि नहीं,
कहा जाते हैं। वैसे तो मशरूम है, वैसे तो छत्रक दंड बोलते हैं उसको। तो क्या कहते हैं कि तोड़ा हूं छत्रक का दंड जाऊं तव प्रताप बलनाथ। हे प्रभु आप ही के बल बढ़ोगा और जो न करो प्रभु पक्ष पत करी न धरो धनुहात। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। बता दी ऐसे समझा दे। वही भगवान राम को याद था। ए देखा विश्व है शांत रहो भैया, तू तूर दिया हो तो ब्याह त्योहार हो जी हो कह तो कुल कही सकत हो लेकिन तुम्हें तूरे नहीं होते। कब कब ना बीटो पावर हाथ में बहुत होती लेकिन उपयोग नहीं करते। ऐसे है भाई, कभी कभी होता है जब भाई लोग चिंतित होते तो हम कहते ज्यादा परेशान ना हो संभार ले। कहा ना तू ज्यादा संभार ले तो यही से हमसे पहले से चिंतित है। थोड़े संभारो तब तो चलो ठीक है लेकिन ज्यादा संभार ले तो तब ही चिंतित। तो स्थिति क्या है बताया भैया, सब कर सकते हो लेकिन समय पर छोड़ो, समय तय करेगा। भगवान राम क्या किए, गए सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र के किनारे बैठे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध, काहे के लिए भगवान राम के पास ऐसे ऐसे बाण थे, ऐसे ऐसी शक्तियां थी, कहो एक बाण मार देते समुद्र वह सूख जाता, तुरंत समुद्र सूख जाता। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक काम करो, ऐसा है तपस्या से चक्कर में ना पाओ। बोले क्या करे, बोले निकालो बाण मारो समुद्र से। बोले नहीं लक्ष्मण करने की आवश्यकता नहीं, हम समुद्र से रास्ता मांगेंगे समुद्र रास्ता देगा। स्थिति क्या हुआ, भगवान राम बैठ गए समुद्र के पास में और बढ़िया उन्होंने विनय करने लगे। स्थिति क्या हुई, तीन दिन तक बढ़िया घोर आ रहा था, कौनो निष्कर्ष नहीं निकला। और जब नहीं निकला तब का भवा, तब भगवान राम बोले, क्या बोले कि लक्ष्मण बाण सरासा नयानो। ए भैया लक्ष्मण बोले का तनी अंदर जाओ धनुष बाण उठा लेके आओ। तब लक्ष्मण जी कहेंगे पहले सोच लिए हो तुम, हम तो कहते रहे भाई लेकिन तुम मन पे न करी। बिना ही न माना ही चलत जड़ गए तीन दिन भी। और बोले राम सकोप तब भाई बिन होई न प्रीत। ए इतने समय से मैं तपस्या कर रहा हूं, ये मन बुद्धि चल भी समझ नहीं पा रहा है। जैसे लक्ष्मण जी लेकर के आए, भगवान राम ने उठाया धनुष बाण को, जैसे संधान किया थर 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 कांपने लगे समुद्र देवता। राय राम रक्षा करो, वही भगवान सोच रहे हैं कि इनकी बात मानना चाहिए हो। चलो इस बार हम बड़े नहीं बनते हैं, इस बार इन्हीं को बड़े बनाते हैं।